अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। और आज के इस लेक्चर में जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, उसमें खुशामदीद कहता हूं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ऑटो कम्प्लीट टेक्स्ट व्यू। तो हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो हम अपना ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट दिखूंगा, प्रोजेक्ट नंबर 9। तो प्रोजेक्ट नंबर 9 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये अपना सारा काम जो इसकी लाइब्रेरीज है वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही वो इम्पोर्ट कर लेता है उसके बाद हम इस पे इसके ऊपर वर्क करते हैं। आई थिंक इन्होंने सारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर ली हैं और ये सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से हो चुका है। अब हमने जो काम करना है वो है कि हमने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू जो हमारे पास एक होता है उसको वो चाहिए, और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को देखने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो कम्प्लीट टेक्स्ट व्यू, ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले हमने ये काम करना है कि ये जो हमारा लेआउट है इसको मैं लीनियर है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, तो हमारे पास ये ऑटो कम्प्लीट टेक्स्ट व्यू आ गया है। तो मैं इसे क्या करूंगा, अभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता, पहले मैं जो हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है इसको मैं डेल कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसे ड्रैग करके नीचे रख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर हमने ऐड करना है टेक्स्ट व्यू। ये हमारा टेक्स्ट व्यू इसके अंदर ऐड हो गया, ये चीजें हमने ऐड करनी। ये है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, इसको मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट करूंगा, इसको मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट करूंगा, इसको मैं टॉप से कंस्ट्रेंट करूंगा, इसको इसका जो बॉटम वाला है वो मैं टेक्स्ट व्यू के टॉप वाले से कंस्ट्रेंट करूंगा, और जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जस्ट हमने अब टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट व्यू है, इसकी कंस्ट्रेंट को राइट, इसकी कंस्ट्रेंट को लेफ्ट, और इसको हमने बॉटम के साथ कनेक्ट कर देना है। अब और हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे 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 करके ऊपर लेके जाना है इसके साथ, ताकि वो हमारा सही से शो हो। तो ये हमारे पास सही से शो हो रहा है। तो हेलो, हमने यहाँ से क्या किया है, इसको भी यहाँ से ऐड कर दिया कंस्ट्रेंट के साथ, इसको भी कंस्ट्रेंट के साथ, और इस व्यू को हमने क्या किया है यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम और ऊपर करने की कोशिश करेंगे यहाँ से ऐसे, और ये हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, और इसको भी थोड़ा सा हम और ड्रैग करेंगे कि ये हमारा यहाँ पे शो, ठीक है। अब ये परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब हमने जो काम करना है वो हमारा मेन काम है, जो टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको मैंने राइट डाउन कर देना है। राइट डाउन मीन यहाँ पे ना वो सारा टेक्स्ट मैंने लिख देना है। तो पहले एक मिनट मैं यहाँ से कोडिंग के ऊपर चलता हूँ, और हमने अपना टेक्स्ट व्यू को देख लें कि हमारा टेक्स्ट व्यू नज़र कैसे आ रहा है। तो हमारा टेक्स्ट व्यू बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमारा टेक्स्ट है, इसके अंदर ही हमने सब कुछ जो हम लिस्ट बनाएंगे वो किस तरह से हमने शो करवानी है, कॉमा बार के थ्रू हमने शो करवानी, तो उसको वो फाइंड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारे पास टेक्स्ट है वो इनपुट है, तो इसको मैं यहाँ से चेक करता हूँ। वेट, यहाँ पे मैं यहाँ से ही मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इनपुट और स्लैश एन मीन के न्यू लाइन के ऊपर आएगा स्लैश एन। तो यहां से अगर मैं देखूं कि मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं कि बुक है, एक बुक की कैटेगरी है और उसमें पड़ी है पाइथन कॉमा जावा कॉमा पीएचपी कॉमा हमारे पास आ जाएगी सी प्लस प्लस और माई
माई एस क्यू एल, उसके बाद एक और लैंग्वेज होती है हमारे पास पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी सी शार्प, उसके बाद एक और हम ऐड कर देते हैं कि सी एस एस, एच टी एम एल, उसके बाद एक और लैंग्वेज हम ऐड कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद एक और है जे क्यू यू ई आर वाई क्यूरी, उसके बाद एक और लैंग्वेज हमारे पास है बूटस्ट्रैप, स्ट्रैप, और एक और हमारे पास लैंग्वेज है कि बूटस्ट्रैप हो गई और रूबी, रूबी, और आर लैंग्वेज है को बोल, और इसके बाद हम और लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी है जो कंप्यूटर की है, जितनी भी हैं हम वो सारी टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मेरे माइंड में लिस्ट थी लैंग्वेजेस की, तो मैंने इनको ऐड कर दिया है। तो अब हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। आप डिज़ाइन व्यू में भी ये सारी लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए उसमें ऐड किया ताकि वो एक सेटअप है जो हम स्लैश एन हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते थे, इसलिए वो न्यू लाइन के थ्रू हमने वहाँ से ईजी हो गया। आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के थ्रू यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपने अब जो मेन काम करना है ना, उसके अंदर ये है कि इस चीज़ को पहले कॉपी कर लें, क्योंकि बाद में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ, और हमारा ये जो हमें हार्ड कोडिंग की जो वार्निंग शो हो रही है इसको पहले ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मुझे अच्छी भी नहीं लगती और मैं चाहता हूँ कोई गड़बड़ ना हो हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेक्टेड है, इसको हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट व्यू। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक और मैं चीज़ करता हूँ कि वर्ड पैड इसको ओपन करता हूँ। जो मैंने अभी एक स्ट्रिंग लिखी है, मैं चाहता हूँ वो हमारी स्ट्रिंग खराब ना हो, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। जो हमने एक ये चीज़ आ गई, और इस चीज़ को मैं कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इस चीज को मैं इसका नाम दे लिख देता हूँ, वही टेक्स्ट व्यू, या आप लिखें ना लिखें कोई भी मर्जी नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, मैं उसको एम्प्टी रखा हुआ है क्योंकि मैं उसके अंदर हिंट डालूंगा ये चीज। और अब हमारे पास जो है टेक्स्ट व्यू, ये चीज हमने इसमें ऐड करनी है, टेक्स्ट, टेक्स्ट वी आई ई डब्ल्यू व्यू, और टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने वो स्ट्रिंग डालनी है जो मैंने अभी कॉपी की है। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर दिए, और अपने हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं, यहाँ से इसे बंद करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग को अब मैंने टेक्स्ट व्यू था, तो इस चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे, ये ख़त्म हो चुका है हमारे पास जो वार्निंग है। अब इसकी जो वार्निंग है वो मैं अब खत्म करने वाला हूँ, वो है ऑटो कंप्लीट व्यू और ओके। मतलब अब इसमें हमने ऐड करना है हिंट, हिंट यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, सर्च सर्च एनी बुक, सर्च एनी बुक। तो मैं ये यहाँ से ये ऐड किया है मैंने, और अगर आप चाहें तो इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ से इसे ऐसे कर देता हूँ। तो मैंने अब बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बना लिया। हाँ, इसकी पैडिंग जो है ना वो सेट कर देते हैं, पैडिंग, ये है पैडिंग। तो पैडिंग इसकी जो लेफ्ट है वो मैं कर देता हूँ इसकी 30 पिक्सल, 30 नहीं तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं एंड 50 कर देते हैं, वो बेस्ट लगेगा। हाँ, अब बेस्ट है, 50 लेफ्ट से है और राइट से भी 50 कर देता हूँ, 50 लेफ्ट प्लस 50 राइट, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारे पास ये चीज़ बहुत परफेक्ट है। अब इस टेक्स्ट व्यू की जो हमारे पास पैडिंग है ना, उसको भी मैं कर देता हूँ सेट,
इसकी मैं कर देता हूँ टोटल 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल बोथ साइड। ये अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर से वो चीज़ें गेट करेगा। तो अब बहुत ही इसको क्या कहते हैं, बहुत ही परफेक्ट व्यू इसका नज़र आ रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, यहाँ से इसे ऐसे ड्रैग करता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं टॉप के ऊपर ले जाता हूँ और इसे भी थोड़ा सा मैं ड्रैग करता हूँ। हाँ अब परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा बार भी शो होनी है ना। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद मैं सक्सेसफुली, हमारी जो एप्लीकेशन है वो चल गई है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ तो वो हमारा ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं लिखता हूँ पाइथन, तो वो हमें ये पाइथन यहाँ पे ऑटो कंप्लीट में नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने काम करना है कि यहाँ पे उसका लिंक बना लेना है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ACTV, ACTV। इसका मैंने खुद से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है ACTV, और इसमें भी वही काम करना है जो हमने लिस्ट वाले व्यू में काम किया था, उसके अंदर ही हम इसमें काम करना है। ACTV यानी कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू की शॉर्ट फॉर्म है। फाइन, तो ये चीज हमने लिख ली है। अब हमारे पास जो काम है वो है फाइनल एरे बनाने, फाइनल एरे लिस्ट। इसको मैं नेम दे दूंगा स्ट्रिंग का, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं बुक, बुक्स एंड न्यू एरे लिस्ट। अब मैं यहां पे इसे ऑफ कर दे, टर्मिनेटर ऑपरेटर हमने यहां पे लगा दिया है। अब मैंने इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देनी। तो बुक्स डॉट एड स्ट्रिंग करना है हमने, तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करना है, पाइथन थी हमारी, और कौन सी थी बुक, मैं यहाँ पे ना इसे पहले वो कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम इसमें जस्ट बुक्स वगैरह ऐड करते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे वी पेस्ट वी पेस्ट वी पेस्ट वी पेस्ट एंड वी पेस्ट वी पेस्ट वी पेस्ट वी पेस्ट। तो ये चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। हमने, हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन जावा PHP C++, पाइथन जावा, जावा का जे हमारे पास छोटा बड़ा ये चीज भी हम देख सकते हैं, जावा, पाइथन जावा C++, उसके बाद है PHP, उसके बाद थी CSS, उसके बाद थी HTML, उसके बाद हमारे पास थी C#, उसके बाद हमारे पास थी C, उसके बाद हमारे पास थी MySQL, और उसके बाद हमारे पास थी कोबोल, और एक और लैंग्वेज भी थी, मतलब लैंग्वेज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, क्यूरी एंड बूट स्ट्रैप। अभी एक और लैंग्वेज हमारी रहती है, उसका नाम बूटस्ट्रैप और एंड कोबोल, और हमने लिखना है, और हमारी एक लैंग्वेज है वो, उसको भी हमने टाइप करना है, वी पेस्ट और एंड रूबी, हम रूबी को तो भूल गए थे।
रोबे तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है, अब इसको अडॉप्ट करना है। तो एरे अडॉप्टर, अडॉप्टर के अंदर क्या था, स्ट्रिंग थी, हमने स्ट्रिंग्स को अडॉप्ट करना है, स्ट्रिंग्स को हमने अडॉप्ट किया और अडॉप्टर नाम का एक वेरिएबल बना के न्यू एरे अडॉप्टर, और यहां पे लिख दूंगा दिस कॉमा आर डॉट ले आउट डॉट आर डॉट ले आउट डॉट, हमने करना है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट फीचर आइटम, ये चीज हमने इसमें ऐड करनी है, वही है कोड, वही है, जस्ट सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हैं। वो क्या है, वो हमारे वेरिएबल्स चेंज है और हमारा थोड़ा सा फंक्शन चेंज है, और यहाँ से मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा, टर्मिनेटर ऑपरेटर ऐड करते हैं ऐसे। अब हमारे पास था वेरिएबल जो हमने फर्स्ट में बनाया था, ACTV डॉट सेट अडाप्टर, तो हमने अडाप्टर सेट कर दिया, तो ये चीज हमने इसकी कोडिंग कर ली है। अब चलते हैं हम, अब देखते हैं कि वो व्यू कैसा नजर आता है अगर हम ऑटो कंप्लीट यूज करें। इसे मैं यहाँ से रन करता हूँ, ग्रेडल बिल्डिंग इंस्टॉल्ड, और वो अभी हमें सक्सेसफुली दिखाएगा। तो चलते हैं हम अपने मिरर के ऊपर, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे जे क्यूरी, जे ये देखें यहाँ पे देखें तो जावा नजर आ रहा है, तो मैं जे क्यूरी ये देखें क्यूरी भी आ रहा है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या जो मिलते जुलते हैं सी, मैंने टाइप किया सी और मैंने स्पेस दी, और कौन सी लैंग्वेज है जो इसमें जो है कहते हैं कि वर्ड में रहे, जावास्क्रिप्ट, जावा ये देखें जावास्क्रिप्ट, तो और इसमें कौन कौन सी है, सी है, आगे से CSS कंप्लीट हो जाता है, PHP है तो वो ऑलरेडी हमें बता देते हैं PHP, तो ऐसे है कि ये हमारा ऑटो सेलेक्ट जो टेक्स्ट होता है वो से सेलेक्ट, पाई थन, उसके बाद है रू बी, और मिलते जुलते जो स्ट्रिंग्स है ना वो एक दूसरे के साथ वो उसको कनेक्ट कर देते, तो ये हमारे पास था ऑटो कंप्लीशन टेक्स्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमने आज बना लिया, प्रोजेक्ट नंबर 9, तो हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।